दोस्तों हम शिक्षण शास्त्र गणित के पढ़ रहे थे। गणित शिक्षण शास्त्र बहुत सारे साथी मांग कर रहे थे कि सर गणित शिक्षण शास्त्र का वीडियो बनाइए। देखिए दोस्तों, हम क्रम से तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन आज का जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ आप सबको, बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शिक्षाविद है अनेक जो शिक्षा शास्त्री है, गणित के संबंध में उन्होंने परिभाषाएँ दी है, तो हम इस वीडियो में 12-15 परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जो कि आपका शिक्षक भर्ती के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षाविदों का गणित पर क्या विचार है, अर्थात गणित में शिक्षाविदों ने गणित की परिभाषा किस तरीके से दी है। बात करें हम प्लेटो की दोस्तों, तो देखिए आपका प्लेटो ने क्या कहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान अनिवार्य है। गणितीय शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसमें प्लेटो ने कहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या कहा है दोस्तों, प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं। प्रकृति के जो नियम हैं एक दूसरे के कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच में गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है। यदि प्रश्न में आपका आ गया दोस्तों कि ईश्वर की भाषा गणित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है दोस्तों, गैलीलियो का है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है तीसरा, देखिए रोजर बेकन ने गणित के संबंध में क्या बातें कही है। तो देखिए लिखा हुआ है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ठीक है। सभी विज्ञान, चाहे किसी भी विज्ञान की हम बात करें, उनके लिए प्रमुख जो द्वार कुंजी है, अर्थात गणित से ही हम किसी भी विषय में, विज्ञान के विषय में प्रवेश करते हैं। द्वार इसीलिए कहा गया है दोस्तों, द्वार अर्थात होता है दरवाजा, ठीक है। किसी के घर में यदि आपको प्रवेश करना है तो पहले तो दरवाजा में प्रवेश करना पड़ेगा, उसी दरवाजा से आप अंदर जाएंगे। तो गणित शुरुआत ही विषय, किसी भी विषय अर्थात विज्ञान की शुरुआत ही गणित से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या कहा है गणित के संबंध में। तो देखिए गणित विज्ञान की रानी है, ठीक है। गणित क्या है, विज्ञान की रानी है, यह कथन गॉस का है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का है। टीईटी में एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न, ठीक है। पांचवा देखिए हॉगमैन, हॉगमैन ने क्या कहा है, हॉगमैन ने गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगमैन ने क्या कहा था दोस्तों, कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेपोलियन, नेपोलियन ने गणित के संबंध में क्या कहा, कि गणित की प्रकृति प्रगति और विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है ना। गणित की प्रगति और विकास, ठीक है, गणित की प्रगति और विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है, यह नेपोलियन ने कहा है। सातवां पर गौर करें, देखिए लॉक ने क्या कहा है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होता है ना। गणित एक मार्ग है दोस्तों जिसके माध्यम से बच्चों में तर्क करने की आदत विकसित होता है, यह बात लॉक ने कही है। उसके बाद आपका आता है आठवां में गिब्स के अनुसार, गिब्स ने क्या कहा, गणित एक भाषा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, इसीलिए गिब्स ने गणित को एक भाषा की संज्ञा दी है, भाषा का नाम दिया है। एमपीटेट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है गैलीलियो, तो गैलीलियो ने क्या कहा है दोस्तों, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। क्या है गैलीलियो की परिभाषा, तो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को ही लिख दिया है, गैलीलियो का कथन है। मार्शल एच स्टोन ने कहा कि गणित अमूर्त व्यवस्था का एक मूर्त रूप है ना। गणित क्या है, अमूर्त व्यवस्था का एक मूर्त रूप है, ये मार्शल ने कही है।
ग्यारहवा बिंदु पर गौर करें, बेंजामिन पियर्स ने क्या कहा है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, गणित क्या है, एक विज्ञान है जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं, एक रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका बारहवा, देखिए प्लेटो ने क्या परिभाषा दी है, एक और, तो गणित एक ऐसा विषय है जिससे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। कैसे अवसर मिलता है दोस्तों, बार बार किसी गणित के अलग अलग परिस्थितियों में जब हम उसको लागू करते हैं तो वो क्या होता है, मानसिक विकास होता है। ठीक है, यह सुसुप्त आत्मा जागृत करने एवं चेतना का भी संचार करता है, ये बात प्लेटो ने कही है। उसके बाद तेरहवा पॉइंट है, देखिए तेरहवा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, आइंस्टीन ने क्या कहा, तो गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, है ना। आइंस्टीन ने कहा कि गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो कि अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। तो इस प्रकार से तेरा जो परिभाषा है दोस्तों, ठीक है, गणित के जो शिक्षा शास्त्री है उनकी तेरा परिभाषा गणित के संदर्भ में जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इनमें से आपको चाहे टेट का एग्जाम हो या शिक्षक भर्ती की हो, एक नंबर के परिभाषा आपको देखने को मिलता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने परिभाषाओं को ही लिया हुआ है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस विभिन्न राज्य के टीईटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक नए डेफिनेशंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।